हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो हमारा व्यूमेन पेल्विस होता है उसके बारे में कि कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर हमारा। सो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेल्विस। फर्स्टली पेल्विस हमारा होता है क्या, उसका हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। द बोनी पेल्विस कैन बी डिवाइडेड, जो हमारा बोनी पेल्विस है वो डिवाइडेड होता है एंड व्यूड इंटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में होता है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो फर्स्टली ये हमारा जो पार्ट है हमारा एंटीरियर पार्ट है एंड देन ये वाला हमारा क्या, हमारा पोस्टीरियर पेल्विस डायग्राम, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये था हमारा टू पार्ट्स में एंटीरियर एंड देन हमारा पोस्टीरियर। उसके बाद होता है हमारा द एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड द पेल्विस गर्डल। जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा पेल्विस गर्डल, विच इज़ कम्पोज ऑफ द प्यूबिक, द इसियम एंड द इलम। इसके अंदर क्या होता है हमारा, किससे कम्पोज होता है, हमारे प्यूबिस से, इसकियम से एंड हमारा इलम से। इट इज़ कनेक्टेड पोस्टियरली टू द पेल्विस स्पाइन। ही हमारा कैसे कनेक्ट होता है, हमारा पोस्टियरली पेल्विस स्पाइन से। द पेल्विस स्पाइन कंसिस्ट ऑफ द कॉकस एंड सैक्रम। जो हमारा पेल्विस स्पाइन है वो हमारा किस किस से बना, कॉकस एंड स्पाइन से। जो हमारा क्या है पेल्विस, ये हो गया हमारा पेल्विस, देन ये हमारा किस किस से मिलके बना हुआ था, हमारा कॉकस एंड सैक्रम से। ये हमारा सैक्रम हो गया एंड ये हमारा हो गया कॉकस। देन उसके बाद आता है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारी पेल्विस की, द पेल्विस इज द एरिया ऑफ द बॉडी बिलो द एब्डोमेन दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द हिप बोन्स। जो हमारा एरिया होता है हमारे एब्डोमन के नीचे बिलो होता है हमारा, लोकेटेड बिटवीन किस किस के बीच में, हमारे हिप बोन्स के, एंड कंटेन्स द ब्लैडर एंड रेक्टम। जो क्या कंटेन करता है, हमारा ब्लैडर को और रेक्टम को इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर इट आल्सो कंटेन्स द वेजीना। जो हमारे फीमेल्स के अंदर जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वेजीना हो गया, हमारा सर्विक्स हो गया, हमारी यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए एंड जो हमारी ओवरीज है वो कंटेन करते हैं। सो ये थी हमारी डेफिनेशन पेल्विस की। द पेल्विस इज द एरिया ऑफ द बॉडी बिलो द एब्डोमेन दैट इज लोकेटेड बिटवीन द हिप बोन्स एंड कंटेन्स द ब्लैडर एंड रेक्टम। इन फीमेल्स इट आल्सो कंटेन्स द वेजिना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। सो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा पेल्विस का, द स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड पेल्विस। जो हमारा स्ट्रॉन्ग और रिजिड पेल्विस होता है इज अडेप्टेड ए सीवियर नंबर ऑफ रोल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी उसके अंदर काफ़ी सारा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पेल्विस। फर्स्ट क्या आता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ वेट। जो हमारा वेट है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, फ्रॉम द अपर एक्सल स्केलेटन टू द लोअर अपेंडिकुलर कम्पैक्ट्स ऑफ द स्केलेटल, स्पेशली ज्यूरिंग मूवमेंट। जब हम मूवमेंट करते हैं उस टाइम पर वो हमारी हेल्प करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारा, फ्रॉम फॉर अ नंबर ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स यूज इन लोकोमोशन। जो हमारे लोकोमोशन में हमारे मसल्स और लिगामेंट्स यूज होते हैं उसमें क्या करता है हमारा, प्रोवाइड अटैचमेंट, उन्हें अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। कंटेन एंड प्रोटेक्ट्स द, जो हमारा क्या करता है, कंटेन और जो हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारा एब्डोमिनो पेल्विक एंड पेल्विक विसेरा। जो हमारा पेल्विक है उसको कंटेन और प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है जो हमारा चाइल्ड बर्थ होता है, एज द ह्यूमन यूनिट मस्ट पास थ्रू द बर्थ कैनल। जो हमारा कहाँ पे पास होता है, हमारा बर्थ कैनल से पास होता है, विच लाई विद द पेल्विस ग्रिंडल। जो हम वहाँ पे क्या होता है हमारा पेल्विस ग्रिंडल में हमारा वहाँ पे रहता है, विद इन मतलब पेल्विस ग्रिंडल के अंदर रहता है। एज द बेबी एग्जिस्ट द बॉडी, ताकि जो हमारा बेबी है वो बॉडी में एग्जिस्ट कर सके। इसलिए बोलते जो हमारा फीमेल पेल्विस होता है एज कम्पेयर टू मेल पेल्विस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके अंदर। जो फीमेल पेल्विस होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा बेबी है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देन उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेल्विस गर्डल। जो हमारा पेल्विस गर्डल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, द बोनी पेल्विस कंसिस्ट ऑफ टू हिप्स। तो हमारा बोनी पेल्विस सब कंटेन करता है हमारे टू हिप्स, वन एंड देन हमारी सेकेंड हिप। तो जो बोनी पेल्विस है वो हमारा टू हिप्स कंटेन करता है, ऑल्सो नोन एज इनोमेट और पेल्विस बोन्स, जिसे हम इनोमेट बोलते हैं और पेल्विस बोन्स भी बोलते हैं। द सैक्रम एंड द कॉकस, जो हमारा सैक्रम है ये हमारा सैक्रम है एंड ये हमारा कॉकस है। देर आर फोर आर्टिकुलेशंस विद इन द पेल्विस। फोर आर्टिकुलेशंस होते हैं हमारे पेल्विस के अंदर। फर्स्ट हमारा
सैक्रोइलिक जॉइंट्स, जो हमारे सैक्रोइलिक जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बिटवीन द इलम ऑफ द हिप बोन्स एंड द सैक्रम, कहाँ पे होते हैं ये? हमारी जो हमारा हिप बोन्स होता है और हमारा सैक्रम के बीच में, ये हमारा इलम, ये हमारी हिप बोन्स है और ये हमारा सैक्रम है, तो इसके बीच में जो ये हमारा बाउंडेशन होते हैं इसे हम बोलते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट। ये हमारी हिप बोन्स है और ये हमारा हिप बोन्स है और ये हमारा बीच में क्या, हमारा सैक्रम, तो इनके बीच में जो हमारी बोन्स होते हैं, जो हमारे जॉइंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट्स। उसके बाद आता है हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस क्या होता है? बिटवीन द प्यूबिक बोन्स ऑफ द टू हिप बोन्स। ये हमारा क्या होता है, हमारे टू प्यूबिक बॉडीज होती है जो कि कहाँ पे होती है, हमारे ऑफ द टू हिप बोन्स, टू हिप बोन्स के ऊपर। ये क्या हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस, ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, वन इधर हो गए हमारी बोन, सेकेंड हमारी इधर हो गई। उसके बाद आता है हमारा लिगामेंट अटैच द लेटरल बॉर्डर। जो हमारा लिगामेंट्स होता है हमारे अटैच होते हैं हमारे लेटरल बॉर्डर के, हमारे सैक्रम के, टू वेरियस बोनी लैंडमार्क्स ऑफ द बॉडी पेल्विस टू एड स्टेबिलिटी, जो कि हमारी स्टेबिलिटी को कंटेन करती है। उसके बाद आता है हमारा द ग्रेटर एंड लेसर पेल्विस। जो हमारा ग्रेटर पेल्विस होता है उसे हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रू पेल्विस और एक होता है हमारा फॉल्स पेल्विस। जो हमारा ग्रेटर पेल्विस होता है उसे हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस और जो हमारा लेसर पेल्विस होता है उसे हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। सो द ग्रेटर एंड द लेसर पेल्विस क्या करते हैं, हमारे जो हमारी ऑस्टियोलॉजी है हमारी पेल्विस क्रीडल की, अलाउ करती है हमारी पेल्विस रीजन को, डिवाइड करती है हमारे टू पार्ट्स में। फर्स्ट हमारा ग्रेटर पेल्विस जिसे हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, लोकेटेड सुपीरियरली, लोकेटेड होता है हमारा सुपीरियरली, इज प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोअर एब्डोमिनल, जो हमारा लोअर एब्डोमिनल है उसको सपोर्ट करती है। वाइस वर्सा सच एज द इलियम एंड, जो हमारी सिग्मोइड कोलोन होती है उससे, जैसे जिसमें क्या गया हमारी इलियम हो गया हमारी और सिग्मोइड कोलोन होगी जिसके अंदर हमारी, इट हैज़ लिटल ऑब्स्ट्रक्टिव रिलीवेंस, जिसके अंदर क्या आता है हमारे स्मॉल जो है लिटल ऑब्स्ट्रक्टिव रिलीवेंस आते हैं इसके अंदर हमारे। द अपर बॉर्डर पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी, जिसे हम बोलते हैं अपर लोअर बॉर्डर, जो हमारा है पोर्शन होता है हमारा पेल्विक कैविटी का। द फॉल्स पेल्विस फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन, जो हमारा फॉल्स पेल्विस होता है वो कैसे बनता है, हमारा जो लोअर पार्ट होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी का उससे, उसे हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। इट इज़ बाउंडेड लेटली बाय द इलिक बोन, जैसे किससे बाउंड होता है, जो हमारी इलिक बोन होते हैं उसे बाउंड होता है, ये क्या है हमारी इलिक बोन्स है ये हमारी। सो ये हमारे इलिक बोन से बाउंड होता है हमारा। पोस्टीरियरली बाय द लंबर स्पाइन, पीछे से कौन से होता है हमारे लंबर स्पाइन से, एंड एंटरली बाय द एब्डोमिनल वॉल, और अंदर से कैसे होता है हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है हमारे उससे। सो ये तो होगा फ्रेंड्स हमारा फॉल्स पेल्विस। उसके बाद आता है हमारा लेसर या हमारा ट्रू पेल्विस। ये हमारा लोकेटेड होता है हमारा इन्फीरियरली विद इन द लेसर पेल्विस, लेसर पेल्विस के अंदर ही, रिजिड द पेल्विक कैविटी एंड पेल्विस वाइस वर्सा। द ट्रू पेल्विस कंटेन्स द पेल्विस इनलेट एंड इट इज़ अ शॉर्ट कर्व्ड कैनाल। ये क्या कंटेन करता है हमारा पेल्विस इनलेट एंड शॉर्ट कैनाल, जो हमारी शॉर्ट होता है ये और हमारा कर्व्ड कैनाल को कंटेन करता है। डीपर ऑन इट्स पोस्टीरियर देन ऑन इट्स एंटीरियर वॉल। द ट्रू पेल्विस कंटेन्स द पेल्विस कॉनल रेक्टम ब्लैडर एंड सम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या क्या कंटेन करता है हमारा लेसर पेल्विस, पेल्विस कोलन कंटेन करता है हमारा रेक्टम ब्लैडर एंड सम, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे फीमेल्स के वो कंटेन करता है। सो फ्रेंड्स आप एक बार डायग्राम देख लीजिए हमारा क्या है, हमारा एंटीरियर का ये हमारा राइट पेल्विस बोन हो गई, हमारी लेफ्ट पेल्विस बोन हो गई, हमारी सैक्रम एंड कॉर्कस ये हमारा हो गया। सो ये हमारा है एंटीरियर जो पेल्विस का डायग्राम है और ये हमारा जो मेन जो जॉइंट्स है या फिर जो हमारा सैक्रोइलिक जॉइंट्स है, हमारे हिप बोन्स है उसके अंदर ये है हमारी। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। द जंक्शन बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर पेल्विस, जो हमारा लेसर और जो हमारा ग्रेटर पेल्विस होता है उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विस इनलेट। द आउटर बोनी एजेस ऑफ द पेल्विस इनलेट आर कॉल्ड द पेल्विस ब्रियम, जो हमारा आउटर इनलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं पेल्विस ब्रियम।
ये क्या हमारा पेल्विस ब्लियम, ये हमारा लेसर पेल्विस है, एंड देन ये हमारा क्या है हमारा ग्रेटर पेल्विस। तो ये जो हमारी बीच की जो ये हम जंक्शन होते हैं या जिसे हम बोलते हैं पेल्विस ब्रियम। सो ये फ्रेंड्स हमारा पोस्टीरियर पेल्विस जो डायग्राम है उसके अंदर हमने दिखा रखा है ग्रेटर फॉल्स पेल्विस जिसे हम बोलते हैं और लेसर पेल्विस, ये क्या हमारी पेल्विस ब्रियम है। उसके बाद आता है हमारा पेल्विस इनलेट। पेल्विस इनलेट क्या होता है? द पेल्विस इनलेट मार्क द बाउंड्री बिटवीन द ग्रेटर पेल्विस एंड लेसर पेल्विस। इट्स साइज इज डिफाइंड बाय इट्स एजेस एंड द पेल्विस ब्रियम। जो हमारा पेल्विस इनलेट होता है उसकी कुछ बाउंड्री होती है जो कि बिटवीन करते हैं किसके बीच में, हमारे ग्रेटर पेल्विस और हमारे लेसर पेल्विस के बीच में, जिसे कैसे डिफाइन किया गया हमारे एजेस से और जो हमारा पेल्विस ब्रियम है उससे। द बॉर्डर ऑफ द पेल्विस इनलेट, जो हमारे पेल्विस इनलेट है उसके बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? हमारे पोस्टीरियर होता है जिसे हम बोलते हैं द सुपीरियर पोर्शन, जिसे हम बोलते हैं सैक्रल प्रोन्टोन ट्री ऑफ द सैक्रम, एंड जो हमारा हो गया हमारा सैक्रल विंग्स जिसे हम बोलते हैं एला। उसके बाद आता है हमारा लेटरल। लेटरल में क्या आता है? हमारा आर्कुलेट लाइन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलम एंड द पेक्टिनल लाइन ऑन द सुपीरियर प्यूबिक रैमनस। उसके बाद आता है हमारा एंटीरियर। एंटीरियर में क्या होता है? हमारा प्यूबिक जो हमारे सिम्फिलिसिस है उसके अंदर क्या आ जाती है? हमारी प्यूबिक सिम्फिलिसिस। सो ये थी हमारे प्यूबिक सिम्फिलिसिस जिसे हम बोलते हैं हमारा एंटीरियर पार्ट होता है हमारा प्यूबिक इनलेट का। उसके बाद आता है हमारा लेटरल। लेटरल के अंदर हमारा आता है पेल्विक लाइन जिसे हम बोलते हैं इलम। ये हमारा इलम का जो पार्ट है वो यहाँ से हमारा इलम हो जाता है ये। सो हमारा आप ये हमारा पोस्टीरियर पेल्विस डायग्राम, तो आप इसमें देख सकते हैं आपके हर डायग्राम में आपको मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पार्ट्स हैं वो आपको शो कर रखे हैं, तो आप वहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। उसके बाद आता है हमारा द पेल्विस इनलेट डिटरमाइंस द साइज एंड शेप ऑफ द बर्थ कैनल। जो हमारी बर्थ कैनल है फीमेल्स के अंदर जो हमारा पेल्विस इनलेट है वो डिटरमाइन करता है हमारे साइज और शेप हमारा बर्थ कैनल का। विद द प्रोमिनेंट रिजिड अ की साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड, ये हमारी क्या हमारी की साइट्स है हमारी अटैचमेंट किसकी? मसल्स की और लिगामेंट्स की। सम अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी कैन बी यूज इन डिस्क्राइबिंग द पेल्विस इनलेट, जैसे कि आ गया हमारा लीनियर टर्मिनलेस। ये क्या होता है? हमारा कंबाइंड पेक्टिनल लाइन एंड एक्यूरेट लाइन एंड सेक्रोलर पोर्ट्रोम, जो हमारे क्या होते हैं इसमें इसके अंदर हमारा सभी चीज़ें होती हैं। हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर तो ये हो गया हमारा जो हमने ऊपर बात की थी हमारे पोस्टीरियर लेटर एंटीरियर बॉर्डर की, तो ये क्या हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये हमारा लेटर बॉर्डर है और ये हमारा है एंटीरियर बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं हमारे प्यूबिक सिम्फिसिस। हमारा जो लेटर बॉर्डर है उसे बोलते हैं इलोपेक्टिनल लाइन और जिसे हम पोस्टीरियर बॉर्डर को हम बोलते हैं हमारा सैक्रल प्रोटोनट्री। सो ये हो गया हमारी लाइन टर्मिनलाइज। उसके बाद आती है हमारी इलियोपेक्टिनल लाइन। जो हमारी इलियोपेक्टिनल लाइन होती है कंबाइंड करते हैं हमारी एक्यूरेट एंड पेक्टिनल लाइंस को। द रिप्रेजेंट्स द लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेल्विक की लाइन, जो हमारी रिप्रेजेंट करती है हमारे लेटर बॉर्डर को हमारी पेल्विक इनलेट को। सो ये है फ्रेंड्स हमारा पेल्विस का कंप्लीट डायग्राम, आप देख सकते हैं। पोस्टीरियर व्यू है ये हमारा और ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हमारा पेल्विस का। उसके बाद आता है हमारा पेल्विस आउटलेट। द पेल्विस आउटलेट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द लेसर पेल्विस, जो हमारा ट्रू पेल्विस है हमारा उसके एंड में होता है ये हमारा पेल्विस आउटलेट। एंड द बिगनिंग ऑफ द पेल्विस होल, और जो कहाँ पे होता है हमारी जो बिगनिंग होती है हमारे पेल्विस होल की वहाँ पे। इट्स बॉर्डर्स आर, जो हमारे इसके बॉर्डर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पोस्टीरियर द टिप ऑफ द कॉकस, जो हमारी कॉका है उसका बॉर्डर। लेटर कहाँ पे होता है? ये हमारा द इश्कियल ट्यूबरसाइट्स एंड द इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द सैक्रोट्यूबर्स लिगामेंट्स। उसके बाद आता है हमारा एंटीरियर पार्ट। द प्यूबिक आर्क द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द, जो हमारा इसको प्यूबिक रेमी है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा। ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है जिसके अंदर हमारा जो प्यूबिक आर्क आती है जिसके अंदर हमारी, ये हमारा लेटरल बॉर्डर जिसके अंदर आ जाता है हमारा स्केलेटल ट्यूबरोसिटी एंड द जो हमारा सैक्रोट्यूबर्स लिगामेंट्स है जो कि हमारे विजिबल नहीं होते उसके अंदर ये आ जाता है हमारा।
और पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर क्या जाता है हमारा, द टिप ऑफ द कॉकस। द एंगल बीनीथ द प्यूबिक आर्क इज नोन एज द सब प्यूबिक एंगल। जो हमारा एंगल बनता है हमारे बीच में उसे हम बोलते हैं सब प्यूबिक एंगल, एंड इज ए ऑफ ग्रेटर साइज ऑफ व्यूमेन। इसका साइज कहाँ पे हमारा जो व्यूमेन है उसमें उसका साइज बड़ा होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी अडेप्टेशन ऑफ बर्थ। अडेप्टेशन ऑफ बर्थ कैसे होता है, द मेजोरिटी ऑफ वोमेन हैज़ ए गायनेक पेल्विस। जो हमारा मेजोरिटी ऑफ वोमेन है उसके अंदर गायनेक पेल्विस होता है एज अपोज ऑफ द मेल एंड्रॉयड पेल्विस। जैसे जो हमारा मेल पेल्विस होता है उसके अपोजिट होता है, उससे डिफरेंस होता है थोड़ा सा, जैसे हम पहले डिस्कस किया था। द स्लाइट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, जो हमारा स्लाइट डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चर में, क्रिएट्स ए ग्रेटर पेल्विस, जो कि हमारा क्रिएट करता है हमारा ग्रेटर पेल्विस को। अडेप्टेड टू एड द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो कि हमारे चाइल्ड के प्रोसेस को अडेप्ट करते हैं। वेन कंपेयरिंग द टू एंड द गायनेकोइड पेल्विस हैज, हम कंपेयर करते हैं हमारे गायनेकोइड पेल्विस को, ए वाइडर एंड ब्रॉडर स्ट्रक्चर येट इट इज़ लाइटर इन वेट। जो हमारा लाइटर इन वेट में होता है बट वो वाइडर और ब्रॉडर होता है हमारा स्ट्रक्चर के अंदर। एंड ओवल शेप इनलेट, जो हमारा ओवल शेप होता है हमारा इनलेट का, कंपेयर्ड विद द हार्ट शेप्ड, जो हमारा क्या करता है हमारा हार्ट या जिससे हम बोलते हैं डायमंड की शेप का, ये हमारा होता है एंड्रॉयड पेल्विस। लेसर प्रोमिनेंट स्केलिक स्पाइंस अलोइंग फॉर अ ग्रेटर बाइपिनियस डायमीटर, जो क्या करता है हमारा, जो हमारा बाइपिनियस डायमीटर होता है उसे ग्रेटर करता है, कंटेन करता है। ए ग्रेटर एंगल सब प्यूबिक एंगल मोर देन 80 to 90 degree, ये हमारा क्या एंगल क्रिएट करता है हमारा 80 to 90 degree हमारा एंगल क्रिएट करता है। ए सैक्रम विच इज शॉर्ट मोर कर्व्ड एंड विद ए लेसर जो हमारा प्रोनाउंस्ड होता है हमारा सैक्रम प्रोट्रोमी होता है उसे वो कर्व देता है हमारा, जो हमारा सैक्रम होता है शॉर्ट होता है वो। इन एडिशन टू द बोनी अडेप्टेशंस the sacrotubers and the sacrospinous ligaments can stretch under the influence of the जो हमारा progesterone hormones होता है and increase the size of outlet जो हमारा further होता है उसको size को increase करता है हमारे, जो हमारा progesterone hormones है उस पर depend होता है हमारा bony जो adaptations होती है हमारी। सो ये हमारे फीमेल में जो pelvis है उसका diagram होता है, जो हमारी mainly healthy females होती है उसके अंदर pelvis inlet का हमारा inlet कैविटी और जो हमारा आउटलेट है इसके अंदर हमारा एंटीरियर कितना होता है हमारी इनलेट के अंदर 11, हमारी पेल्विस कैविटी होती है हमारी एंड जो हमारा एंटर पोस्टीरियर होता है उसकी 12 एंड पेल्विस आउटलेट की होती है हमारी 13। ट्रांसवर्स के अंदर आ जाते हैं हम, इसका इनलेट होती है हमारी 13 centimeter, कैविटी होती है हमारी 12 centimeter, आउटलेट होती है हमारी 11 centimeter। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या होती है हमारी इनलेट होती है हमारी 12 एंड कैविटी होती है हमारी 12। सो ये हमारी फर्स्टली डायग्राम हुई, हमारा होता है हमारा डायमंड शेप का होता है जैसे हम देखते हैं उसको, ये हमारा ट्रांसफर हो गया, ये हमारा ओब्लिक हो गया और ये हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया हमारा। जो ट्रांसवर्स हमारा इनलेट में होता है हमारा 13 और जो हमारा पेल्विस कैविटी में होता है हमारा वो होता है हमारा 12 होता है हमारा ट्रांसफर और आउटलेट होता है हमारा 11। इनलेट होता है हमारा जैसे हमने बताया था इनलेट 11 होता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर में, कैविटी में 12 होता है और आउटलेट में हमारा 13 होता है, और ओब्लिक में तो हमारे इक्वल ही होते हैं हमारे 12 होते हैं हमारी। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।